हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल औरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहां से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। भगवान जी प्लीज बताइए। अंडरस्टैंडिंग, माइंड, एग्जॉशन, बुरा हाल है आपके पर्सन का। द क्रिएटर, सप्रेशन, आइसोलेशन, अवेयरनेस, पोस्टपोनमेंट, पॉलिटिक्स। आपके पर्सन एक नंबर के छुपे रुस्तम हैं। आपके पर्सन ना जैसे दिखते हैं वैसा वैसे है नहीं। अगर वो बहुत भोले दिखते हो तो बिल्कुल वो भोले तो हैं, है ना। वो देखिए दो मुखौटे पहने बैठे हैं। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो समझ जाइए वो आपको बताएंगे नहीं। उनके एक्शन में, उनके रिएक्शन में, उनके बिहेवियर में, उनके इमोशंस में, उनके एनर्जीज में कहीं से भी आपको समझ में नहीं आएगा दैट योर पर्सन लव्स यू। एक्चुअली ये फसाद खुद के लिए है, उसके बाद आपके लिए है। यस, और वो बहुत ज्यादा अगर आपसे प्यार करे तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ज्यादा मीठा भी प्रॉब्लमेटिक होता है ना। बड़े बुरे हाल है आपके पर्सन के। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन करूंगी मैं। ये आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। अपना मुखौटा, अपना दूसरा चेहरा, अपना एक्चुअल एक्चुअल फेस आपसे छुपा रहे हैं। अगर वो इनोसेंट दिखते हैं तो वो एक्चुअल में बदमाश है, और वो बदमाश अगर आपको लगते हैं तो एक्चुअल में ऐसे है। आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई डोंट लाइक दिस कार्ड एट ऑल। और आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी यही है, स्नीकी एनर्जी। 7 नंबर। भगवान जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से। सिक्स ऑफ कप्स, जजमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। बुरा हाल है आप दोनों के बीच में, तो बातचीत नहीं हो रही है या फिर कम बातचीत हो रही है। आपके पसंद का बुरा हाल है द लवर्स। Definitely एक ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप है। टू ऑफ स्वॉर्ड एंड द हैंगमैन, ये डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप है। देखिए ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, सोलमेट की भी एनर्जी है। पास्ट में आप लोगों का जैसा भी रिलेशनशिप रहा है, जो भी रिलेशनशिप रहा है, जैसा भी बॉन्ड रहा है, जैसी भी अंडरस्टैंडिंग रही है, जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में हुई है ना, वो आपके पर्सन को तब नहीं समझ में आई, तब कुछ भी समझ में नहीं आया, तब इट वॉज अ नेचुरल एंड नॉर्मल। बट एक्चुअली इट्स अ डिवाइन प्लान। ये जो भी कुछ आप लोग का पास्ट बीता है ये डिवाइन का प्लान है। यस, अभी वो जो पास्ट के जो डॉट्स थे ना, पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम यहाँ मिले, हम वहां मिले, हम क्यों मिले, है ना, हमारा तो मिलना था ही नहीं, मतलब ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये सारे चीजों का जवाब अब आपके पर्सन को मिल रहा है। आपके पर्सन अब उन डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं एंड उन्हें समझ में आ रहा है कि This is a divine plan because this is a divine connection, right? जब से उनकी अवेकनिंग हुई ना, तब से उनके होश उड़े हुए हैं। मतलब ये अवेकनिंग के बाद ही उन्हें समझ में आने लगा है।
देखिए, जब से उनकी अवेकनिंग हुई है तब से उनके होश उड़े हुए, और उनका हाल देखिए, सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के, अब ये तो वही जानते हैं वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अवेकनिंग के बाद ना आप लोग को जोड़ने की कोशिश, आपके ना आपके पर्सन को जोड़ने की कोशिश करते हैं आपके जो एंजल्स होते हैं, वो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो, ठीक है। तो इस हिसाब में आपके पर्सन का ये हाल है, बहुत दिमाग चला रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। मे भी हो सकता है ये रिलेशनशिप का एक्सेप्टेंस उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रह रहा हो रहा हो, सॉरी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इस रिलेशनशिप को कैसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना भी है नहीं करना है, ये क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा। उनका बहुत बुरा हाल है, उनका एक्चुअल में बहुत बुरा हाल है आपके बगैर। देखिए ये सिचुएशन है उनकी, रो रहे हैं, अपने आप को इतना कठोर बनाया हुआ है और रो रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे, किसी के साथ खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। और ये हाल क्यों है, क्योंकि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट है, या तो आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत बंद हुई है, या फिर कोई बुरी तरीके से दी एंड हुआ है, या फिर कम बातचीत हो रही है, एक सेपरेशन, एक वैक्यूम दिख रहा है आप दोनों के बीच में, इसकी वजह से आपके पर्सन का ये हाल है, छुपा रहे हैं। कभी कभार रो भी देते होंगे, आई डोंट नो, बट मुझे फील हुआ, मैंने बता दिया, ठीक है। थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन 100% स्टक है, इसलिए अपनी जो इमोशंस है, अपनी फीलिंग्स, उनको सप्रेस कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उन्हें अपने इमोशंस को दबाना, अपने इमोशंस को छुपाना आपसे, लेकिन वो कर रहे हैं। देखिए ये हाल है, यहाँ से भी एनर्जी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ से भी एनर्जी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और यहाँ से भी एनर्जी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। झुके पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, दुखी है, परेशान है, दिमाग उनका कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, लेकिन वो आप तक भनक नहीं पड़ने दे रहे ये सारी चीजों के बारे में, दैट योर पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग अ लॉट, योर पर्सन इज सप्रेसिंग देयर इमोशंस अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन एक मजबूरी हो उनकी। मजबूरी तो है ही, बिकॉज दिल तो उनका आप पर आया है, आई एम सॉरी। और जितना वो देखिए आपको स्टॉक करने में लगे हुए हैं, वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने में लगे हुए हैं वो, और जितना आपको स्टॉक करते हैं ना उतना उनका बुरा हाल होता है, क्योंकि स्टॉक करके होता क्या है, स्टॉक आपको कहाँ से करूंगी, या तो आपके बारे में कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल रूंगी आपके फ्रेंड से, या फिर कोई कॉमन फ्रेंड से, या फिर वो क्या कर रहे होंगे, आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स देख रहे होंगे। अब सोशल नेटवर्किंग साइट पे तो उन्हें उतना ही पता चलेगा ना जितना सामने वाला दिखाना चाहेगा। अब कोई भी अपना दुख थोड़ी ना अपलोड कर, मतलब करते हैं करने वाले भी, लेकिन ठीक है, उसके बेसिस पर ही उनका ये हाल है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं वो सोच सोच के, समझ समझ के आपको, या फिर इस कनेक्शन को सोच सोच के, समझ समझ के, या फिर ये भी हो सकता है बिकॉज ट्विन फ्लेम में यूजुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है एक पर्सन को, अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेके, हालांकि यहाँ पे एक भी ऑब्सेशन का कार्ड नहीं है जिसके या यहाँ पे भी मुझे एक भी ऑब्सेशन का कार्ड नहीं दिख रहा है, बट मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि जितने मास्कुलंस होते हैं वो हाईली ऑब्सेस्ड होते हैं अपने फेमिनाइन को लेके, अगर आपने पिक किसी के साथ अपलोड करी है तो उनका बुरा हाल हो जाएगा, या बुरा हाल हुआ होगा, वैसे भी उनका बुरा हाल दिख रहा है, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं वो सोच सोच के आपको स्टॉक कर करके। अभी उन्हें बहुत अच्छे से अवेयरनेस है, मैंने क्या कहा कि वो डॉट्स को जोड़ पा रहे हैं, जो भी आप लोगों का पास्ट रहा है और जो भी प्रेजेंट है, तो जो जैसी जैसी चीजें घटी हैं आप दोनों के बीच में वो उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो सारे डॉट्स को जोड़ पा रहे हैं। अभी उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, अभी उनको अवेयरनेस है, लाइक दिस कनेक्शन इज अ पास्ट, दिस कनेक्शन इज फ्रॉम पास्ट बर्थ, एंड यू गाइज आर अ ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट ऑफ ईच अदर। ओके, बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके पर्सन आपको लेकर, सब छुपा रहे हैं, सब कुछ छुपा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके पर्सन आपको लेके, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन आपको लेके, अफेक्शनेट है आपके पर्सन आपको लेके। तो देखिए ना, ये जो कनेक्शन होता है ना, यहाँ पे आप लोग कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, कहीं पे भी जाने की कोशिश करो, डिवाइन ऐसे खींच के लाते हैं, इतना मैग्नेटिक पुल फील करते हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए। और ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन में हमेशा डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहती है। दिस इज आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल राघवेल कार्ड, मैं इस कार्ड को स्पेसिफिकली वही बोलती हूँ क्योंकि इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग है। दिस रिलेशनशिप इज अ प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप, चाहे अभी सिचुएशन कैसी भी हो,
और कुछ भी हो, इस समय बहुत सैड हैं, दुखी हैं क्योंकि आपकी तरफ कोई कॉल नहीं ले पा रहे हैं, लेना चाहते हैं, उन्हें पता है वो ले सकते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत कंट्रोलिंग हो, कुछ उनके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं या कुछ उनके और भी मुद्दे हो सकते हैं, है ना। ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होने के बाद भी इस समय वो कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए लॉस्ट की फीलिंग में है। हो सकता है आपने थोड़ा सा डिटैच आप इनसे हो गए हो, यस। और इस समय बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव है आपको लेके, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी तरफ कोई एक्शन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। देखिए आंखों पे पट्टी बंधी पड़ी है, कोई एक्शन, बहुत बार ये कार्ड तब आता है जब वो कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं, तो इस समय आपके पर्सन का यही हाल है, बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव है, इमोशंस में बह रहे हैं, प्यार आपके लिए पूरा है, सारी चीजें हैं लेकिन बहुत अटका हुआ महसूस करते हैं अपनी सिचुएशन को लेके, इसलिए जो चीजें हैं वो सारी की सारी डिले कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वो आपसे छुपा रहे हैं, इसमें से उन्होंने शायद कुछ नहीं आपको बताया होगा, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो क्या फील करते हैं आपको लेके, क्या इमोशंस हैं उनके आपको लेके दिखाते ये हैं मुखौटा, अंदर तो लड़ाई चल रही है इस समय, वो अपनी बेसिकली अपने इंटरनल वॉइस की सुन रहे हैं, जो उनको अंदर से आवाज आ रही है वो वैसा बिहेव करें, बिकॉज वो कहते हैं ना कि अब उन्हें डाउनलोड्स मिल चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेके, तो अब वो अपने अंदर की आवाज सुन रहे हैं। हो सकता है उन्होंने मेडिटेशन वगैरह शुरू कर दिया हो, ठीक है। मेडिटेशन करने के बाद इंसान के अंदर बहुत ठहराव आ जाता है, हालांकि आपके पर्सन के अंदर तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इस रिलेशनशिप को बहुत ठहराव से आगे बढ़ा रहे हैं वो, आपके पर्सन फाइट करने में लगे हुए हैं, अंदरूनी फाइट है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, चलिए कर लेंगे, इनके दिल में क्या है आपको लेके। भगवान जी प्लीज बताइए, और देखिए मिन्नतें कर रहे हैं वो आपको लेके, ये देखिए मिन्नतें करें कि आप कहीं दूर ना जाओ, क्योंकि तो उनको तो आने में समय है, वो तो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, तो इनको ये भी फियर है कि आप चले जाओगे। इमोशंस देखिए, ओ माय गुडनेस, दिल में तो देखिए ये जो है ना आपके पर्सन बहुत एक्सट्रीमली इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, माय गुडनेस। और देखिए जो भी इनके इमोशंस है ना, ये सब इस कप के अंदर छुपे हुए हैं, छुपे हुए इमोशंस है, इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताए ही नहीं कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए, और यहाँ इनका दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, या बहुत हेल्पलेस वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें हीलिंग भेजिए क्योंकि इन्हें हीलिंग की जरूरत है, बहुत बुरा हाल है। आप ये देखिए ये वाली सिचुएशन देखिए, ये वाली सिचुएशन देखिए इनकी, ये वाली सिचुएशन देखिए, थक गए हैं वो अपने आप से लड़ लड़ के, आप इन्हें हीलिंग्स भेजिए, इन्हें हीलिंग की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है इनकी अवेकनिंग ना, जो भी आपके पर्सन है जो आपसे छुपा रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हुई है, हो सकता है रिसेंट में हुई हो, अगर आप फेमिनाइन हो तो आप ज्यादा अवेकेंड हो इनसे, है ना, आप ज्यादा अवेकेंड हो तो आप इन्हें हीलिंग भेज सकते हो, आपकी हीलिंग काफी हद तक हो चुकी होंगी, आप इन्हें हीलिंग भेजिए और आप अपनी हीलिंग्स पे और ध्यान दीजिए, बिकॉज आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। अब कई लोग पूछेंगे मैम एनर्जेटिकली कनेक्टेड होने का क्या मतलब है, पूछते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो इमोशंस होंगे ना वो आपके पर्सन कैच कर पाएंगे, और आपके पर्सन के जो इमोशंस होंगे वो आप कैच करोगे। बहुत बार बैठे बैठे एकदम से नेगेटिविटी आ जाती होंगी, नहीं मुझे तो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है ना, क्योंकि वो आपके पर्सन वैसा कुछ सोच रहे होंगे, तो वो एनर्जी आपके अंदर आ गई है, फिर थोड़ी देर बाद नहीं मुझे तो इस रिलेशनशिप में रहना है, आई मीन एनर्जी अब्जॉर्ब करते हो आप दोनों एक दूसरे की, जब हम ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रिलेशनशिप में होते हैं, इसीलिए कहा जाता है पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, बिकॉज जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही पॉजिटिव आपके पर्सन भी रहेंगे, है ना। और कई लोग का एक और क्वेश्चन होता है कि मैम मुझे तो मेरे पर्सन के बहुत ज्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे हर जगह उनका नाम दिखता है, पता नहीं क्यों, एंड मुझे उनके उनकी जैसे गाड़ी हर जगह दिखती है,
दीज आर द साइंस। अगर आपके उनको अगर आपको उनके बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हैं, या फिर आपको उनका नाम हर जगह दिखता है, या फिर आपको उनकी गाड़ी हर जगह दिखती है, या फिर कुछ भी उनसे कनेक्टेड अगर आपको कुछ भी दिख रहा है, दीज आर द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू गाइज आर इन अ ट्विन फ्लेम और इन अ सोलमेट रिलेशनशिप। ठीक है, यू आर मेंट टू बी टुगेदर। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए आप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।